नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। उन्नाव बिग ब्रेकिंग न्यूज 7/10/2022 आगामी त्योहारों को लेकर एडीजी ने शहर की परी की सुरक्षा व्यवस्था। खबर उन्नाव से है, जहां बीते दिनों भदोही में हुई दुर्गा पंडाल में हृदय विदारक घटना के बाद लखनऊ जोन के एडीजी ने उन्नाव शहर पहुंचकर आज रामलीला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ रावण दहन की तैयारियों का जायजा लिया है। एसपी के साथ शहर में पैदल भ्रमण कर दुकानदारों से बातचीत की है। 12 वफाद के त्योहारों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। धर्म गुरुओं के साथ बैठकर बाद की एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण आज उन्नाव कोतवाली पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, एसएसपी शशि शेखर सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर आशुतोष कुमार ने उन्हें सलामी दी। यही मीटिंग है सर, आज आपने निरीक्षण किया है, किस तरीके का निरीक्षण है, क्या कार्यक्रम? 9 तारीख को कई त्योहार हैं, वाल्मीकि जयंती भी है, कर्क पूर्णिमा है, उसमें उन्नाव में 2 रामलीलाएं होती हैं, बहुत पुरानी रामलीलाएं हैं, उनको जुलूस, उनका रावण दहन भी होता है, जुलूस निकलते हैं। 9 तारीख को 12 वफात भी है, 12 वफात का भी त्यौहार मनाया जाता है, उसका जुलूस निकलता है। वही हम व्यवस्था देखने आए थे, ये सारे त्यौहार, चाहे रामलीलाओं का समापन हो, रामलीला के जुलूस हो, रावण दहन हो, बड़ा बाबा का जुलूस हो, जिले में कहीं वाल्मीकि जयंती है उसका कार्यक्रम हो, सारे त्यौहार बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो, उसके लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जितने भी ये समितियाँ हैं, चाहे रामलीला समितियाँ हैं, चाहे बड़ा बाबा की समिति है, उन सबसे वार्ता की गई है, वार्ता करके सबके टाइम अलग अलग टाइम तय किए गए हैं, कोर्स का डिप्लोमेंट कराया जा रहा है, और सारे स्टॉक होल्डर का सहयोग लेकर के एक बहुत अच्छे माहौल में ये सारे त्यौहार संपन्न कराए जाएंगे। यही मेरे आने का उद्देश्य है। थैंक यू।